सब सीन के बारे में जानना चाहेंगे, जहाँ कह सकते हैं रोमांटिक मोमेंट तो नहीं है, बड़ा ऑकवर्ड सा मोमेंट हुआ है पार्ट के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऑकवर्ड था, बिल्कुल ऑकवर्ड था एक्चुअली। उसकी तबीयत खराब है, बारिश में वो भीग गई है और बेहोश हो गई है और बहुत तेज उसे बुखार है, तो अभी उसके जो पूरे कपड़े भीग गए हैं तो वो चेंज होने चाहिए, तो मेरी जो माँ है, जो मेरी चाची हैं, वो तो हेल्प करेगी नहीं, बल्कि कुछ काम खराब और कर देगी मीरा के साथ। और दादी हैं, वो दादी तो आपको पता ही है व्हील चेयर पे हैं, वो कैसे हेल्प करेंगे, और वो सो रहे होंगे रात को, वैसे भी दवाई खा के सोते हैं। तो अब वो सारी बातें, सब चीज़ें सोचने के बाद सब चीज़ें मेरे ऊपर आ गई है कि अब क्या किया जाए। तो अब वो इंसानियत के नाते हेल्प करना ज़रूरी है, क्योंकि पार्थ एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो चाहे कोई हो, चाहे वो जिसको जानता हो या ना जानता हो, उसकी हेल्प ज़रूर करेगा अगर कोई मुसीबत में है। तो वो सिचुएशन है, अब उसको मीरा की हेल्प करनी है, तो वो कैसे कर रहा है और कर पाएगा कि नहीं और कैसे करेगा, वो सब चीज़ें चल रही हैं सीन में। अब यार वो तो फिर उसी वक्त पता चलेगा कि पार्थ, वो मीरा पार्थ को क्या बोलती है और पार्थ मीरा से क्या बोल पाएगा। लेकिन जो पार्थ ने उसकी जो हेल्प की, वो जेन्युइनली किया बिल्कुल एकदम से, और वो जरूरी भी था। एंड हालांकि उसको ये करते हुए जो कपड़े चेंज करने थे, उसने पीछे मुंह करके अपनी आंखें तक बंद कर ली थी, कि वो पार्थ ऐसे ही कैरेक्टर है, और तो उसने वैसे किया। लेकिन मीरा उसको कितना समझेगी, और अगर मीरा ऐसे पूछेगी कि नहीं पूछेगी, वो आगे पता चलेगा सीन्स में। स्पॉइलर तो यही है कि आप लोगों को चाहिए कि मीरा और पार्थ एक हो जाएं, आप मैसेजेस देते रहते हो, तो देखो हम भी ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाएं। थोड़ा सा गुड न्यूज़ हमें, जहां तक हमने स्टोरी सुनी है, हमें ऐसा लग रहा है कि मीरा और पार्थ एक हो सकते हैं, हो रहे हैं। तो बस ऐसे अपनी नजरें जमाए रखें टीवी स्क्रीन पे, और आपको बस जल्दी पता चल जाएगा कब एक हो जाएंगे। थैंक यू।